वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। फिल्म आरक्षण के प्रीमियर पर नहीं पहुंचा बॉलीवुड का कोई भी स्टार। आखिर प्रकाश झा और फिल्म की स्टार कास्ट को क्यों छोड़ दिया बॉलीवुड ने अकेले। बॉम एंडोर्स करने के कंपटीशन में मलाइका अरोरा खान को बॉलीवुड का कौन सा हीरो देने जा रहा है टक्कर। रूमर हैज इट राम गोपाल वर्मा ने सेंसर बोर्ड के डर से फिल्म नॉट अ लव स्टोरी के कंट्रोवर्शियल सीन्स किए डिलीट। आज के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी फिल्म आरक्षण से। कल मुंबई में था फिल्म आरक्षण का प्रीमियर, लेकिन यहां प्रकाश झा अपनी फिल्म की स्टार कास्ट के साथ रह गए अकेले। बॉलीवुड से कोई भी स्टार इस इवेंट पर नहीं पहुंचा। आखिर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार की फिल्म को देखने क्यों नहीं पहुंचा बॉलीवुड का कोई भी स्टार, यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल और आज की सबसे बड़ी खबर भी। एक बार फिर सजा रेड कार्पेट, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर आरक्षण की बाकी स्टार कास्ट भी अपनी इस फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची, पर बाकी बॉलीवुड कहां गया? सिक्योरिटी और सब कुछ का ख्याल रखने के बावजूद भी यहां पे क्राउड ज्यादा दिखाई नहीं दी। क्या वजह हो सकती है कि बॉलीवुड एक साथ यूनाइट होके अपनी सपोर्ट दिखाने नहीं पहुंचा इस प्रीमियर पे? जी हाँ, यही है इतने बड़े वीकेंड पर रिलीज हो रही आरक्षण के प्रीमियर की कहानी। जिस फिल्म की रिलीज को रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे सहित तीन हॉलीडेज में धूम मचाने का मौका मिल रहा है, उसका प्रीमियर क्यों रह गया इतना ठंडा? कहाँ चला गया बॉलीवुड का मॉरल सपोर्ट? प्रकाश झा अकेले क्यों पड़ गए यहाँ? आज कौन कौन आने वाला है अमित जी यहाँ पे? मैं आ गया। आपका आना तो बनता है बिग बी, आप इस फिल्म का हिस्सा जो हैं, पर बाकी बॉलीवुड ने आरक्षण पर चल रही कंट्रोवर्सीज के चक्कर में शायद इस फिल्म के प्रीमियर से दूरी रखना ही बेहतर समझा। आप खुद ही देख लीजिए आरक्षण के प्रीमियर का प्लेस कैसे छावनी बन गया है। कुछ ऐसा ही हाल है इस फिल्म से जुड़े स्टार्स के घरों का भी। बिग बी के घर पर भी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। ऐसा उनको अनुमान है कि शायद हम पर कोई आतंका हो जाए, इसलिए शासन ने हमारे घर के आर पार थोड़ी सी पुलिस प्रशासन रिपोर्टिंग ज्यादा कर दी है। अमित जी, क्या सिर्फ यही वजह है? कहीं आरक्षण को सपोर्ट करने में कुछ और तो नहीं कह गए आप? Suggested that if a film, according to government diktats, constitutionally sets a body to certify a film, if that film has been certified, and if somebody has taken objection to that certification and filed in the High Court, and if the High Court has also dismissed that, then we have the right to project this film. However, if there are certain factions which are unhappy with it, we are studying what their unhappiness is about and hopefully we will get over it. वैसे बिग बी ने यहाँ यूपी और पंजाब में आरक्षण पर लगे बैंस पर भी बात की। Whatever they are doing is also within the law. Every state has a provision where they can block or ban a film, not really ban it, and they can stop it for 2 months. But even after 2 months, we are not obliged to carry out the corrections or possibilities of corrections that they stipulate. It will still be released according to the diktats of the statutory body, which is the censor board. Big B ke baad baat karte hain film ki baaki star cast se. Prateek Babbar se humne jana ki kya unhe bhi mila police protection. Mere ghar pe to koi suraksha nahi thi. बच्चा हूँ तो मुझे सिक्योरिटी लगती नहीं है, बच्चन साहब को लगती है। हो, लगता है अभी प्रतीक को तो बड़ा होने में काफी टाइम लगेगा। तो बात करते हैं प्रीमियर पर पहुँचे बाकी स्टार्स से, जो देंगे अपनी फिल्म के प्रीमियर के इस कवरेज को एक हैप्पी एंडिंग। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म एंड इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। ऐसा कुछ है नहीं पिक्चर में, इट्स नॉट वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इट्स अ वेल बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यू नो, वी डू अंडरस्टैंड द सेंटीमेंट्स ऑफ पीपल, वी डोंट मेक फिल्म्स टू हर्ट पीपल। We make films keeping everyone in mind. But anyway, the good point is that our film's released today and we should all celebrate. The
फिल्म रास्कल के फर्स्ट लुक लॉन्च पर पहुंचे अमिताभ बच्चन और वहां उन्होंने संजय दत्त और अजय देवगन में से किसी एक को बताया बॉलीवुड का सबसे बड़ा रास्कल। किसे? कमिंग अप नेक्स्ट। कल मुंबई में था फिल्म रास्कल का फर्स्ट लुक लॉन्च। इस फिल्म का फर्स्ट लुक तो हम आपको इस स्टोरी के एंड में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए कि फिल्म रास्कल के म्यूजिक लॉन्च के स्पेशल गेस्ट कौन हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन। पर अमिताभ अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ पहुँच गए हैं, तो हमने उनसे पूछ लिया कि कौन है उनके लिए सबसे बड़ा रास्कल। जो मेरे बगल में खड़े हैं वो। वेल अमिताभ जी, आपने संजय दत्त को सबसे बड़ा रास्कल बना तो दिया, लेकिन क्यों? जरा ये तो बता दीजिए। तीनों ने एक फिल्म में काम किया था जिसमें डेविड ने डायरेक्शन किया था और मुझे वो दृश्य कभी नहीं भूलेगा जब हम लोग सब रात को शूटिंग के बाद एक जगह खाना खाने गए और वहाँ पर संजय दत्त जी ने, जो कि निडर हैं एकदम, एक वहाँ पर तालाब था जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े खेकड़े रखे हुए थे और इन्होंने हाथ डाल करके एक खेकड़ा उठाया और डेविड साहब को पूरे बैंकॉक में, कुआलालंपुर में, जितना फार ईस्ट है पूरा दौड़ाया है उनको, तो वो दृश्य मुझे कभी नहीं भूलता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई रास्कल है तो संजय। अब तो हम भी मानते हैं कि सबसे बड़ा रास्कल संजय दत्त ही है। चलिए अब जरा अजय और संजय से बात करते हैं। संजय, जरा ये बताइए, आप दोनों बड़े प्रैंकस्टर माने जाते हैं, तो क्या आपने एक दूसरे के साथ प्रैंक खेले फिल्म की शूटिंग के बाद? हम दोनों मिलके दूसरों का प्रैंक करते हैं। सही बात है। अच्छा, तो ये बात है। चलिए, आपसे तो बात हो गई, अब जरा फिल्म के डायरेक्टर से भी बात कर लेते हैं। डेविड जी, जरा ये तो बताइए, आपकी फिल्म की हीरोइन कंगना कहाँ गायब है? She's engaged somewhere. She's busy. Engaged? Don't say in some work. Okay. शुक्र हो क्लियर कर दिया, नहीं तो हमने समझा था कि कंगना एंगेज हो गई है। चलिए, हीरोइन नहीं आई, लेकिन हीरो अर्जुन रामपाल कहाँ रह गए? David is very possessive about his heroines. Arjun Rampal's running his nightclub in Delhi, I think he's gone. वो नाइट क्लब में बिजी हैं। चलिए, कंगना और अर्जुन रामपाल नहीं आए, तो अब जिन सवालों को हमने उनसे पूछना था वो हम आपसे ही पूछ लेते हैं। ये बताइए, आपने कंगना को बिकिनी पहनने के लिए कैसे कन्विंस किया? Magic words. Everybody does it today. Magic words. Come on. Any hero would wear it today. There's nothing like that. ये देखिए, जरा डेविड जवाब दे ही रहे थे कि बीच में कूद पड़े अजय। No, he had only one word to say. He went to her and he said, you must wear a bikini. She said, no. He says, if you don't wear a bikini, there'll be a problem with the sensors. You can't come like this. So she said, okay, might as well wear the bikini. अहा, क्या बोल रहे हो? कंगना ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जाते जाते ये बता दीजिए कि आप लोगों को छोड़कर आपको कौन लगता है बॉलीवुड में सबसे बड़ा रास्कल? किसी और की प्रमोशन क्यों करें हम लोग? नाम लेंगे तो इसी फिल्म में से किसी का नाम देंगे। अजय शायद आप भूल गए हैं कि अमिताभ स्पेशली आपकी फिल्म का प्रमोशन करने आए थे, वो फिल्म में नहीं है। लेने के लिए आप उनका नाम भी ले ही सकते थे। चलिए, कोई बात नहीं, आप किसी और का प्रमोशन करें या फिर ना करें, हम तो आपका थोड़ा प्रमोशन कर ही देते हैं। बॉलीवुड की मुन्नी कर रही है एक बाम को इंडोर्स, लेकिन अब उन्हें टफ कंपटीशन देने आ गया है बॉलीवुड का एक सो कॉल्ड हॉट एंड हैंडसम हीरो। कौन है वो? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पहले मुन्नी हुई बदनाम, फिर मुन्नी ने बेचा बाम, और अब मुन्नी पर आ गया है खतरा, क्योंकि मुन्नी को टक्कर देने के लिए बाम बेचने आ गए हैं ये। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, अब विवेक ओबेरॉय बेचेंगे बाम। यकीन नहीं होता तो खुद उन्हीं से सुन लीजिए। सीरियसली बेच रहे होगी? नहीं, बिल्कुल। कैसे बेचोगे? शान से। शान से तो आप बेचेंगे ही, लेकिन ये बताइए आप बेचेंगे क्या? कायम, जो बहुत सालों से बहुत बड़ा ब्रांड रहा है आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो उन्होंने अपना एक नया लॉन्च किया है, फुल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग विद द बाम। बस बस बस, आप तो शुरू ही हो गए, हमें तो सिर्फ बाम से ही मतलब था। क्या कहना चाहेंगे, कंपटीशन में लगे कि ये कमर्शियल, आपके आपको लगता है आप प्रॉपर बेच पाएंगे उससे ज्यादा? वो तो आपको देख के जज करना पड़ेगा। अगर आपने जज कर दिया तो मैं आपको एक बॉटल बाम फ्री दे दूंगा।
नहीं नहीं, फ्री बाम आप अपने पास ही रखिए। हम तो सिर्फ यही पूछ रहे थे कि कहां मलाइका अरोरा खान जो ग्लैमरस और सेक्सी है, और कहां आप, तो क्या आपको कंपटीशन टफ नहीं लगता? तो आप कहने की कोशिश कर रही हैं कि मेल एक्टर्स ग्लैमरस और सेक्सी नहीं लग सकते? नहीं नहीं, आप बहुत ग्लैमरस हैं। आपसे ग्लैमरस पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं है। लेकिन ये तो बताइए, आपकी आवाज हमें ऐसी अजीब सी क्यों सुनाई दे रही है? क्या आपका गला बैठ गया है? नहीं, मैं जानबूझ के आपके लिए सेक्सी आवाज बना रहा हूँ। अरे ये सेक्सी आवाज है, हमें तो ऐसा लगा कि आपका गला बैठ गया है। एनीवे, आप बाम के बाद अब कॉफ सिरप को भी प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। इस बहाने कम से कम आपकी आवाज तो ठीक हो ही जाएगी। Oops, we hope you don't mind. और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का। हम आपको दिखाने जा रहे हैं लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। किसने चलाई गोली? कहां गई बॉलीवुड स्टार्स की टोली? मुंबई एयरपोर्ट पर कौन दिखा? और किस हीरोइन ने पहना आउटफिट कुछ ज्यादा ही खुला? बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट पिक्चर्स लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। सो व्हाई वेट? Let's start with Katrina Kaif's dangerous stunts. Have a look at Katrina, जो कर रही है आर्मी के एक से बढ़कर एक dangerous stunts. Rock climbing से लेकर firing तक, टेढ़े-मेढ़े रास्तों में चलने से लेकर jumping तक, Katrina आर्मी जवानों के साथ हर obstacle को पार कर रही हैं. इन dangerous stunts को देखकर कहना गलत ना होगा कि Katrina के stunts का कोई जवाब नहीं. वेल, कैटरीना के इन दमदार स्टंट्स के बाद हम आपको दिखाते हैं शाहरुख खान की मुंबई एयरपोर्ट पर शानदार एंट्री। शाहरुख ब्लैक जैकेट और ब्लैक गॉगल्स में लग रहे हैं पूरे डॉन। देखिए तो सही, शाहरुख कैसे स्टाइल में कर रहे हैं वॉक। वेल, शाहरुख खान की तस्वीरों के बाद अब देखिए आप लारा दत्ता की एक इवेंट की ये लेटेस्ट पिक्चर्स। इन तस्वीरों में लारा दत्ता का आउटफिट लग रहा है कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग। जरा आप भी देखिए। वेल, आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड 10 PM। फाइनली टेल मी, ओ खुदा का फर्स्ट लुक लॉन्च हो ही गया। वेल, फिल्म में भले ही बड़े बड़े स्टार्स का कैमियो हो, लेकिन फर्स्ट लुक लॉन्च में हमें कोई भी बड़ा स्टार नजर नहीं आया। लगता है कि हेमा मालिनी ने बेबी ईशा देओल के करियर को आगे ले जाने की ठान ही ली है। जी हाँ, तभी तो अपनी अगली फिल्म टेल मी ओ खुदा को सक्सेस बनाने के लिए जी जान लगा दी है। फिल्म में ऋषि कपूर हैं, विनोद खन्ना, फारूक शेख और धर्मेंद्र हैं। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी केमियो कर दिया है। सलमान इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ईशा, मेनली फॉर हर रीजन ही हैज डन, ऑफ कोर्स ही हैज गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मी एंड हर जी आल्सो, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज पार्ट ऑफ द फिल्म। मगर क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र वाला रोल पहले किसे ऑफर किया गया था? ये रोल पहले ऑफर किया गया था अमिताभ बच्चन को। वो रोल कुछ और था, लेकिन वो जमा नहीं था, एंड आई एम ग्लैड दैट इट डिड नॉट वर्क आउट, एंड दैट इज द रीजन धर्म जी इज इन द फिल्म। वेल, हेमा जी, आप बिग बी के ना होने और धर्म जी के होने से तो काफी खुश हैं। भले ही आपने फिल्म में बिग बी को नहीं लिया है, मगर प्रमोशन में जरूर उनकी हेल्प ले ली है। जी हाँ, इस फिल्म का प्रोमो दिखाया जाएगा आरक्षण के साथ। इज द बिगनिंग, इट्स द नारियल फोर्ड ऑफ माय मूवी टेल मी ओ खुदा, एंड आई एम रियली प्राउड एंड एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी हैव मेड। इस ट्रेलर लॉन्च पर सब तो खुश थे ही, मगर ईशा थी जरूरत से ज्यादा खुश। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, और धर्म जी का, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। यहाँ तक कि एक्साइटमेंट में ईशा अपने गालों से मधु की लिपस्टिक भी नहीं हटा पाई। ईशा इतना एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं है। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तक तो इंतजार कर लीजिए। और अब नाराजगी से जुड़ी एक और खबर। फ्रीडा पिंटो बहुत नाराज हैं अनिल कपूर से, क्योंकि अनिल कपूर उनके और देव पटेल के हिडन रिलेशनशिप के बारे में मीडिया में बातें कर रहे हैं। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के ऑस्कर मिलने के बाद से ही एक और न्यूज भी मिलने लगी थी, और वो ये है कि फिल्म की लतिका, हमारा मतलब फ्रीडा पिंटो और देव पटेल के बीच में जूसी लिंकअप शुरू हो गया। वेल, इस बात पर ना तो फ्रीडा ने कभी कॉन्फर्मेशन किया और ना ही देव पटेल ने, लेकिन हाँ, अनिल कपूर ने कॉन्फर्मेशन जरूर कर दिया और बस इसी बात से नाराज है फ्रीडा पिंटो। फ्रीडा पिंटो ने एक चैट शो में कहा है कि जब वो एक अवार्ड फंक्शन में रेड कार्पेट पर वॉक कर रही थी तो उनके साथ अनिल कपूर भी थे, और अनिल ने उनके सामने ही एक रेडियो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए ये बात
कह दी कि ही कैन सेंस द केमिस्ट्री बिटवीन मी एंड देव पटेल। वेलफ्रीडा भी वहीं पर मौजूद थी और उनके लिए ये बात काफी एम्बेरसिंग थी कि अनिल कपूर उनसे बिना पूछे ही उनके और देव पटेल की रिलेशनशिप के बारे में मीडिया को बता रहे हैं। वेलफ्रीडा ने चैट शो में कहा है कि अगर अनिल कपूर को इस बात का पता भी था तो भी उन्हें ये बात मीडिया के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। वेल वी वंडर कि अब लखन भैया इस बात पर क्या रिएक्शन देते हैं। खबर आई है कि राम गोपाल वर्मा डर गए हैं और उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड को दिखाने से पहले ही इसके कंट्रोवर्शियल सीन्स को डिलीट कर दिया है। फुल डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट। राम गोपाल वर्मा डर गए हैं। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो राम गोपाल वर्मा ने सेंसर बोर्ड को फिल्म दिखाने से पहले अपनी फिल्म से कुछ कंट्रोवर्शियल सीन्स को डिलीट कर दिया है। दरअसल राम गोपाल वर्मा पहले तो कुछ स्टेप नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मारिया सुसायराज ने राम गोपाल वर्मा को लीगल नोटिस भेजा तो उसके बाद उन्होंने सेफ ही रहना बेहतर समझा। इसीलिए अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड को दिखाने से पहले ही उन्होंने फिल्म से कंट्रोवर्शियल सीन्स को चॉप कर दिया है। वेल, जब इस खबर पर राम गोपाल वर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस खबर को सरासर गलत बताया। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि फिल्म मारिया सुसायराज पर बेस्ड नहीं है, सिर्फ इंस्पायर्ड है, इसलिए वो कोई भी सीन डिलीट नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, राम गोपाल वर्मा ने ये भी कहा कि अगर मारिया उनसे फिल्म देखने की रिक्वेस्ट करती हैं, तो वो उन्हें दिखा सकते थे, लेकिन मारिया ने लीगल नोटिस भेजा है इसलिए अब वो इसका जवाब उन्हें लीगली ही देंगे। My answer to that is, I've always been maintaining this inspired story is not based upon and doesn't have the real names or the background or anything like that. And I'm very well within my legal rights to make a film inspired, which is what any filmmaker does at the end of the day. Okay. So, and the fact that she demanding in a certain way, I'm also speaking in a legal language. So I wouldn't, I would not show the film to her. Well, film ki release date 19th August jaise jaise kareeb aa rahi hai, waise waise controversies bhi badhti ja rahi hain. Ab in controversies ke beech kya censor board film ko certificate deta hai, kya phir nahi? Ye update bhi hum aapko sabse pehle Zoom par hi dikhayenge. So keep watching. फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक के लिए कभी ऐश्वर्या तो कभी माधुरी तो कभी विद्या का नाम सामने आया, लेकिन अब संजय दत्त ने इस फिल्म के लिए एक हीरोइन को साइन कर लिया है। कौन है वो, लेट्स सी। करिश्मा कपूर अब करेंगी सत्ते पे सत्ता के रीमेक में लीड रोल। जी हाँ, करिश्मा अब निभाएंगी हेमा मालिनी का किरदार। और ये न्यूज हम यहाँ वहाँ से नहीं लाए हैं, बल्कि संजय दत्त ने इस न्यूज को ब्रेक किया है। पर हम आपको बता दें कि संजय इस हिट रीमेक में लीड एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि संजय निभाएंगे बिग बी का किरदार। खबरों की माने तो संजय दत्त को इस फिल्म के लिए एक बहुत ही सिंपल इंडियन गर्ल चाहिए थी और इसीलिए संजय ने पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को अप्रोच किया, बट उन्होंने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। वेल, इसके बाद संजय दत्त ने अपनी मुन्ना भाई की को स्टार विद्या बालन को इंसिस्ट किया, बट उन्होंने भी डिक्लाइन कर दिया ये ऑफर। फिर क्या था, संजय ने अपनी नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड करिश्मा को अप्रोच किया और करिश्मा ने झट से हाँ भी कर दी। वेल, नॉट बैड। अब हमें तो इंतजार है करिश्मा के कमबैक का। We are waiting to watch Sanju Lolo's on-screen jodi together again. दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन ने जूम के बूम पर की मस्ती। जी हाँ, हमारी रिपोर्टर रुद्रानी चतुराज को दिए इंटरव्यू में बिग बी और दीपिका दोनों ने ही की फुल मस्ती और धमाल। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं रुद्रानी के पास। बॉलीवुड के टैलेंटेड सुपरस्टार्स जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस एक्टिंग स्कूल में पढ़ते हैं, उनके प्रिंसिपल माना जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अमिताभ बच्चन। और इस मूवी में अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस इज प्लेइंग हिज डॉटर हु विद हील्स इज ऑलमोस्ट एज टॉल एज हिम। I'm talking about Mr. Amitabh Bachchan and Deepika Padukone. So, instant reaction. No, no, but pehen lijiye, bilkul. Right, kabhi mat apni aap giraiye. An instant reaction, I saw. But it's, are you okay with the daughter being as tall as you and the I wish she goes even taller. Okay. Yeah. Don't most fathers wish that for their daughters? Yes, absolutely. They all do. Absolutely. You know, Mr. Bachchan, you have Deepika as your daughter in this movie. कहीं आपको लगा कि क्या आप रियल लाइफ में भी डू यू वांट अ डॉटर लाइक दीपिका? इफ यू एवर गेट अ चांस, व्हाट डू यू मीन बाय मेरी बेटी है ऑलरेडी और वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हां, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? व्हाई? क्योंकि वो दीपिका है। डिड यू नो दैट यू हैव अ टैटू एट द बैक ऑफ योर बैक? आई डिड। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बट आई जस्ट रिमेंबर आई डू हैव अ टैटू। वाओ, थैंक यू। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of V-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.